Hello everyone, welcome back to your channel Metro Mom. So this week onwards we are starting the much awaited bedroom makeover series. Yay! I'm so happy. I'm finally reaching towards the end of this bedroom makeover and I'm so excited to share all the final results with you guys. तो आज का वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव DIY वॉल आर्ट जिसके थ्रू आप अपने घर को एक घर की वॉल को एक बहुत सुंदर लुक दे सकते हैं. इस DIY में मैंने सिर्फ 300 रुपए खर्च किए हैं एंड आई एम रियली सरप्राइज विद द रिजल्ट्स. अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो किया होगा और अगर आपने मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट देखे होंगे तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि मैं इस बार इंडिगो थीम को लेकर चल रही हूँ अपने बेडरूम को मेकओवर देने के लिए. और मैं उसी थीम से रिलेटेड कुछ वॉल आर्ट यूज़ करना चाहती थी बट मुझे कुछ मिल नहीं रहा था और मैं टिपिकल चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहती थी. सेकेंडली मेरे पास बजट कंस्ट्रेंट भी था. आप लोगों ने मुझे 3 से 5 हज़ार के बजट में ये मेकओवर करने को कहा था और मैं ज़्यादा जो मेरा बजट का मनी था वो मैं फर्निशिंग पे स्पेंड करना चाहती थी क्योंकि फर्निशिंग अच्छी होने से बेडरूम काफ़ी ऑलरेडी अच्छा लगने लगता है. जब कोई भी घर का एरिया हो अगर आप वहाँ पे अच्छी फर्निशिंग यूज़ करेंगे तो आप हाफ ऑफ द जॉब इज़ ऑलरेडी डन. सो आई वॉन्टेड टू इन्वेस्ट मेजर पार्ट ऑफ द मनी इन द फर्निशिंग्स. इसी वजह से मेरे पास वॉल आर्ट के लिए काफ़ी कम अमाउंट बचा था और उस अमाउंट में जो चीज़ें मिल रही थी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी. देन आई थॉट अबाउट दिस DIY. मैंने कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे, पिंटरेस्ट पे कुछ आइडियाज़ देखे और फिर मैंने ये वॉल आर्ट बनाया. तो वीडियो शुरू करते हैं आज का. और शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमें थम्स अप देना मत भूलिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी शेयर करिएगा. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. चलिए अब देखते हैं इस DIY के लिए हमें क्या क्या चाहिए. सबसे पहले तो हमें चाहिए 4 अलग अलग साइज़ के हुप्स और ये 1 मीटर कॉटन का क्लोथ, पॉप्सिकल स्टिक्स जो आपको किसी भी क्राफ्ट स्टोर में मिल जाएंगी, आइसक्रीम में लगने वाली स्टिक्स हैं ये, 2 पेंट ब्रशेस और पेंट चाहिए नेवी ब्लू, वाइट और येलो. उसके अलावा हमें चाहिए एक सीज़र और कुछ रबर बैंड्स और फेविकोल या कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं आप. और उसके अलावा कार्डबोर्ड का कोई भी पीस चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर फर्स्ट डिज़ाइन. पहले डिज़ाइन के लिए हमें कपड़े को सिंपली फैन के स्टाइल में फोल्ड कर देना है और जो ये क्लॉथ का साइज़ है ये मैंने हुप के हिसाब से कट किया हुआ है. फैन स्टाइल में फोल्ड करने के बाद अब हमें इसमें रबर बैंड लगाने हैं थोड़ी थोड़ी गैप पे. हम इसको डबल फोल्ड करके फिर इसमें रबर बैंड लगाएंगे. रबर बैंड लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा. जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डबल फोल्ड करने के बाद चारों रबर बैंड को लगाया है और अब हम इसको पेंट करेंगे. पेंट करने के लिए मैं नेवी ब्लू कलर में ब्लैक मिक्स कर रही हूँ जिससे कि एक खूबसूरत सा इंडिगो शेड तैयार हो जाएगा. बहुत ज़्यादा ब्लैक मत मिक्स करिएगा, सिर्फ थोड़ा सा ब्लैक आपको ब्लू में मिक्स करना है. अब हम इस पेंट मिक्सचर में बहुत सारा पानी मिला के इसको पतला कर लेंगे जिससे कि हम आराम से टाई एंड डाई कर सकें. और आप अपने इस कपड़े को भी अच्छी तरीके से गीला कर दीजिए क्योंकि अगर ये गीला नहीं होगा तो प्रॉपरली कलर्स को अब्जॉर्ब नहीं करेगा और हमारा टाई डाई फेल हो जाएगा. जब हमारा क्लॉथ पीस अच्छी तरीके से वेट हो जाए तो हम इस पर कलर लगाना स्टार्ट कर देंगे. कलर आपको बहुत अच्छी तरीके से लगाना है वरना ये डिज़ाइन कम्प्लीटली नहीं बन पाएगा. एक बार ये कलर हो जाए तो फिर आप उसको ड्राई होने के लिए रख दीजिए. डिज़ाइन नंबर 2 के लिए सिंपली आपको एक कार्डबोर्ड के स्क्वायर पीस को लेना है फिर उसको 2 पार्ट में कट कर देना है जिससे कि एक ट्रायंगुलर शेप के 2 पीसेस बन जाएंगे. अब हम अपने क्लॉथ को हुप के हिसाब से कट करके फिर उसको हाफ फोल्ड करके फिर से फैन के स्टाइल में फोल्ड कर देंगे. फैन स्टाइल में फोल्ड होने के बाद अब हमको उसको ट्रायंगुलर स्टाइल में फोल्ड कर देना है.
फोल्डिंग खत्म करने के बाद अब आप दोनों कार्डबोर्ड के पीसेस को क्लॉथ के ऊपर और नीचे लगाकर रबर बैंड के थ्रू सिक्योर कर दीजिए। यहाँ पे हम 3 रबर बैंड्स का यूज करेंगे। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैं लाइट ब्लू कलर को भी यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने येलो, वाइट और ब्लू मिलाकर बनाया है। आप चाहें तो रेडीमेड कलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। पेंट करने से पहले याद रखिएगा कि आपको हर क्लॉथ पीस को अच्छी तरीके से पानी से गीला करना है, वरना जो कलर्स हैं वो प्रॉपरली पूरे कपड़े में नहीं फैल पाएंगे और हमारा डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। डिज़ाइन नंबर 3 के लिए आपको चाहिए होगा घर में पड़ा हुआ कोई भी जार, और उस पर आप रबर बैंड लगा लेंगे और रबर बैंड में आप कोई भी वूल या थ्रेड को टाई कर देंगे। याद रखिएगा आपको लंबी साइज़ का थ्रेड या वूल लेना है और फिर आप कपड़े को ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड कर देंगे और उसको रबर बैंड के थ्रू सिक्योर कर देंगे जार के ऊपर। और आप अब इसके ऊपर वूल को तब तक रैप करते रहेंगे जब तक आप जार के एंड तक ना पहुँच जाएँ। जब आप जार के एंड तक पहुंच जाएंगे तो आपको इसको हल्का सा खिसका के एक क्रीज जैसी बना लेनी है और फिर से फोल्ड करते रहना है जब तक आप वापस से जार के एंड तक ना पहुंच जाएं। ये प्रोसेस आपको तब तक फॉलो करना है जब तक आप कपड़े को पूरी तरीके से जार पर रैप नहीं कर देते। ये देखिए रैप होने के बाद ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, और अब मैं इसके ऊपर सिंपली जो इंडिगो कलर हमने बनाया था वो मैं इस पे लगा दूंगी। मैंने इस क्लॉथ को, इस पूरे जार को अच्छी तरीके से पानी में डुबोया था जिससे कि ये प्रॉपरली गीला हो जाए। इस डिज़ाइन के लिए आपको पेंट थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा क्योंकि यहाँ पे कपड़े के मोटे फोल्ड्स हैं, तो कलर ज़्यादा लगेगा ताकि वो अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र हो पाए पूरे कपड़े में। एक बार पेंट हो जाए तो आप इसको धूप में सूखने के लिए छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं डिज़ाइन नंबर 4। डिज़ाइन नंबर 4 के लिए हम फिर से क्लॉथ को हाफ फोल्ड करके एक बार फिर से फैन स्टाइल में फोल्ड करेंगे। फैन स्टाइल में फोल्ड करने के बाद हम उसको एक और फोल्ड देंगे और हम यहाँ पे पॉप्सिकल स्टिक्स का यूज़ करेंगे डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। पॉप्सिकल स्टिक्स को हम रबर बैंड के थ्रू सिक्योर करेंगे और कपड़े को अच्छी तरीके से टाई कर देंगे। इस कपड़े को भी पानी से अच्छी तरीके से गीला करने के बाद अब हम इंडिगो और लाइट ब्लू दोनों कलर्स को अल्टरनेटिवली यूज़ करके इस कपड़े को अच्छी तरीके से पेंट कर देंगे, और पेंट होने के बाद हम इसको धूप में ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे चारों और डिज़ाइन सूख रहे हैं तब तक हम हूप्स को वाइट कलर में पेंट कर लेंगे। जो ये वाइट कलर के फ्रेम्स हैं ये किसी भी आपको टेलरिंग शॉप या क्राफ्ट शॉप पे मिल जाएंगे। ये देखिए हमारे सारे कपड़े अब सूख चुके हैं और अब हम इनको हूप्स के ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। हूप्स के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको इसको अच्छी तरीके से टाइटली लगा देना है। कपड़े को अच्छी तरीके से आप खींच लीजिए जिससे कि ये ढीला ढीला सा ना लगे, और फिर हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकल रहा है उसको हम सीजर के थ्रू कट कर देंगे, और कट करने के बाद हम ग्लू का यूज़ करके बचे हुए कपड़े को इसी हूप में स्टिक कर देंगे जिससे कि एक क्लीन सा लुक आए।
देखिए अब चारों हूप्स रेडी हैं और ये कितना यूनिक वॉल आर्ट लग रहा है जो मैंने सिर्फ 300 रुपए में तैयार किया है। हूप्स, क्लॉथ और पेंट सब का कॉस्ट मिला के अराउंड 300 रुपीज़ है एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी द रिजल्ट्स। जैसा कि अगर आपने नोटिस किया होगा मेरे इंस्टाग्राम और कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, मैं इस बार इंडिगो थीम पे अपना बेडरूम मेकओवर कर रही हूँ और ये वॉल आर्ट मेरे बेडरूम मेकओवर के साथ एकदम परफेक्ट लगता है।